हेलो 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 एवरीवन 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 गुड इवनिंग एवरीबॉडी एम आई ऑडिबल टू ईच एंड एवरीवन एम आई ऑडिबल टू ईच एंड एवरीवन इज ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन वी आर लाइव नाउ दिस इज मोहित मोथर एंड वेलकम टू दी टेस्ट बुक गाइस सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं बक इन्फॉर्मेशन देंगे सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं दो यार इस ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन टू ईच एंड एवरीवन इंडिया के बेस्ट इलेक्ट्रिकल सेशन में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है और इसको हमेशा से बेस्ट आप लोगों ने बनाया है आपके प्यार ने बनाया है पिछले तीन साल के अंदर अंदर जितने भी हमारे एग्जाम्स हुए हैं चाहे एग्जाम डी ट्रिपल एस बी हो या डी एफ सीसीआई आरवीएनएलएसएम डबल एस बी एस एस सी जे एन एचपीसी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ओसी टी बोकारो राउर का पेपर हो या पेपर हो आपको मध्य प्रदेश सब इंजीनियर पेपर हो यूपी मेट्रो महाजन को महाट्रांस को या पेपर हो आपका वेस्ट बंगाल पीएससी या नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड आपको मेरे इन्हीं सेशनों से एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिले हैं और वादा करता हूं एस एस सी जिसके लिए मैं अपनी पूरी जान पिछले चार महीने से लगाता आ रहा हूं और आने वाले दो महीनों में मैं अपनी पूरी जान झोंक दूंगा आज एक अप्रैल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो बातें हैं वो हैं जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है जब एग्जाम का कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हर पर्टिकुलर इंसान बहुत तेजी से पढ़ने की कोशिश करता है और हर पर्टिकुलर इंसान बहुत पढ़ाने की कोशिश करते हैं जब नोटिफिकेशन नहीं रहता है तो बच्चे भी आराम से घर में रहते हैं और बाकी जो पढ़ाने वाले हैं, वो भी आराम से घर में रहते हैं लेकिन आपको ये बात पता है कि नोटिफिकेशन नहीं था हर दिन मैं आपकी क्लास शाम को चार से छह लेता हूं चाहे दिवाली हो या दशहरा हो ईद हो या क्रिसमस हो न्यू ईयर हो या होली हो मेरा ये सेशन हर दिन रहेगा और जब एग्जाम पास आएगा तो ये बूस्ट हो जाएगा ना कि वैसा का वैसे ही चलता रहेगा तो अब हमारे बूस्टिंग वाले फिनोमिना आ चुके हैं इसके अंदर वो एनर्जी आ चुकी है इसके अंदर वो कॉन्टेंट डेवलप होने लगा है और एक अलग लेवल पे आग लगाने वाले क्लैरिटी है यस सर तो कुछ ही दिनों में आपको सैटरडे संडे मोहित सर के लंबे लंबे मैराथॉन्स भी वाले हैं रात्रि जगराता भी देखने वाला है महा मंथन वाले मैराथन भी देखने वाले हैं जिसमें एक अलग लेवल पे चीजों को ऑपरेट करेंगे और इस बार तो कुछ और चीजें हैं जो भी आप लोगों के लिए मैंने एडअप कर दी हैं जस्ट लाइक एन क्रैश कोर्स टाइप की चीजें जिनको मैं इस बार आपके लिए लेके आने वाला हूं ठीक है चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं जैसा कि हमारा सेशन रहता है टॉप मोस्ट थर्टी क्वेश्चंस एक ऐसे टॉप थर्टी क्वेश्चन जो जेई के सिलेबस और आर आरबी जेई के सिलेबस को पूरा वाइंड अप करके चाहे नेटवर्क हो या मेजरमेंट हो हर दिन कुछ नया लेकर के एक समझा समझने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं क्लियर है महायुद्ध मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते के बाद आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है तो महायुद्ध पे वर्कआउट चल रहा है कंटेंट डिजाइन हो रहा है पीछे कौन सबसे मेन चीज तो होती है पीछे का जो आपके लिए कंटेंट है ना उसको डिजाइन करने में समय सबसे मेन चीज ठीक है चलिए तो स्टार्ट एक टैंक सर्किट की बात कर लेते हैं जहां पे वी हमारा इनिशियल वोल्टेज है टू द द कैपेसिटर इज इज चार्ज हमारा कैपेसिटेंस ऑफ टैंक सर्किट एंड और कोई भी बच्चा बेटा इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो आपको कभी किसी तरीके की लैंग्वेज की दिक्कत नहीं आएगी आप अपने हिंदी मीडियम की तरह ही मैं आपको सारी चीजों को टैकल करते हुए चलूंगा जैसा कि आज तक सालों से करता आ रहा हूं टॉप टेन में हिंदी मीडियम के बच्चे भी एस एस क्लियर करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं आप मेरे इंटरव्यूज देखोगे आपको दिख जाएगा बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को एक बार शेयर एंड लाइक कर देंगे सभी बच्चे सो देट अपन एक अलग एनर्जी पे ऑपरेट करें ठीक है और देखेगा पूरा कौन भारत चलिए अब आ जाते हैं यहां पर अगर मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं एक टैंक सर्किट है बेटा जहां पर वी हमारा इनिशियल वोल्टेज है

C by L. बहुत बार बच्चों को जब मैं ये लर्न करवाता हूं, तो कहीं ना कहीं बच्चे बहुत बार under root of L by C भी लगा के आ जाते हैं तो ये गलती मत करना exactly, है, है सर्किट निम्न प्रतिरोध वाले चालक परिपथ में उच्च प्रतिरोध त्रुटियां का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण का प्रयोग किया जाता है पिछले तीन महीने में आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे कॉन्सेप्ट्स को भी डिजाइन किया है जो एसएससी ने हमको लास्ट टाइम पर सीबीटी टी वन में दिखाया और एसएससी ने हमको लास्ट टाइम सीबीटी में यह दिखाया कि हम क्लियर नए सवालों को उत्पन्न करना चालू कर चुके हैं और ऐसे ही नए क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डिजाइन हुए हैं एक या दो दिन में आप लोगों को वो भी मेरी तरफ से बेहतर देखने को मिलेंगे जो आपने कभी देखे ही नहीं थे राइट right? चलिए तो द टेस्ट दूस टू लोकेट हाई रेजिस्टेंस फॉल्ट इन लो रेजिस्टेंस कंडक्टर सर्किट इज निम्न प्रतिरोध वाले चालक परिपथ में उच्च प्रतिरोध त्रुटियों का पता लगाने के लिए कौन से परीक्षण का प्रयोग

एस एस सी जेई के अंदर अगर सबसे आसान कोई सब्जेक्ट आता है तो वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसको अपन धुआं धुआं कर देंगे किसी एक दिन मैराथन में है ना चाहे वो बीजेटी हो चाहे वो डायोड हो चाहे वो मॉस्फेट हो चाहे वो ओपो ट्रिगर हो पावर एम्पलीफायर हो या सेमी फिजिक्स हो एक ही बार में पूरा धुआं धुआं करके उसको उड़ा देंगे ठीक है चलिए अब आप देखेंगे रिवर्स रिवर्सुरंट के बारे में अगर मैं बात करता हूं बेटा रिवर्स रिवर्सुरंट की तो आज से याद रखना जब आप डायोड की बात करते हो है ना तो पहले तो पता होना चाहिए रिवर्स करंट होता क्या है डायोड में जब आप रिवर्स में वोल्टेज लगाते हो तो एक नॉर्मल छोटा सा करंट फ्लो होता है माइनॉरिटी कैरियर की वजह से वो कुछ इस प्रकार का होता है इसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट इसको क्या बोलते हैं बेटा रिवर्स सेचुरेशन करंट अब ये रिवर्स सैचुरेशन करंट जो होता है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो वो ही आपको बताता क्लियर इसका जो होता होता है 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 अगर मुझे I0, I0 2T निकालना है, तो वो मेरा जल्दी जल्दी बताओ क्या निकल के आएगा T2 minus T1 बोलेंगे T2 minus T1 गुड तो यहां पे बेटा अपॉन क्या आता है? 10 निकल क्या आता है है निकल के सर इस फॉर्मूले से आपको क्या समझ में आया इस फॉर्मूले से मुझे ये समझ में आया कि मान लीजिए मेरे पास एक पर्टिकुलर रिवर्स रिवर्सेशन करंट है और अगर मैं तापमान को डबल कर देता हूं जैसा कि मुझे बोला जा रहा है कि टेम्परेचर को यहां पे क्या कर दिया जा रहा है फॉर दस डिग्री बढ़ा दिया जा रहा है तो चलो टेम्परेचर को दस डिग्री बढ़ा देते हैं तो पहले टेम्परेचर मेरा मान लीजिए टी वन था अब नया टेम्परेचर टी टू है और टी टू जो है वो पहले टेम्परेचर से दस डिग्री ज्यादा है यानी कि इतना है तो अगर मैं इसको इस फॉर्मूले में पुट करूंगा तो जो मेरा नया लीकेज करंट निकल के आएगा तो बेटा नया लीकेज करंट जो आएगा मेरा पुराने लीकेज करंट के कंपैरेटिवली, अगर मैं बात करूंगा तो टू इंटू टी टू और टी टू की बात अगर मैं करता हूं तो टी वन प्लस टेन है माइनस अगर मैं करने जाता हूं तो अगेन मेरे पास टी वन है डिवाइडेड बाय अगर मैं करूंगा तो टेन है और इससे ये कैंसिल होता है तो बचता कितना है केवल बचता है और जब सिर्फ टू बचता है यहां पर सिर्फ टू बचता है यहां पर तो जरा समझने की कोशिश करना कि जब यहां पे टू बचता है इसका मतलब नया लीकेज करंट नया रिवर्स सैचुरेशन करंट मेरे पुराने लीकेज करंट यानी कि पुराने सेचुरेशन करंट से जस्ट क्या हो चुका है डबल हो चुका है तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दो गुना यानी कि डबल हो जाए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसी भी द्विपक्षीय नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं मैं यदि किसी शाखा में ई का स्रोत किसी अन्य शाखा में धारा आई का उत्पादन करता है तो दूसरी शाखा में कार्यरत वही ई पहली शाखा में समान धारा आई का उत्पादन करेगा यह कथन किस प्रमेय से संबंधित है एक बायलेटरल नेटवर्क है ठीक है यूनिलेट्रल नहीं है कौन सा नेटवर्क है बायोलेट्रल नेटवर्क है सोर्स ई एम एफ ई इन एनी ब्रांच प्रोड्यूसेस करेंट आई इन अनादर ब्रांच

बहुत बढ़िया और यहां पे रेजिस्टेंस आर वन है यहां पे रेजिस्टेंस आर टू है और अगर मैं बात करता हूं लेट सपोज यहां रेजिस्टेंस आर थ्री है तो यहां पर ये यह बोला गया था कि अगर मान लीजिए ये वी है और अगर मान लेता हूं यहां पर, करेंट यहां, पर यहां पर एक पर्टिकुलर करेंट आ रहा है लेट सपोज आई तो अगर मान लेता हूं यहां पर एक वी है और लेट सपोज यहां पर एक पर्टिकुलर करंट आ रहा है आई तो इस वी की वजह से यहां पर एक करंट आई है अगर कल को मैं इस वी को यहां ले आऊं तो ये आई यहां फ्लो होने लगेगा इस वी को अगर मैं यहां ले आऊं तो ये आई क्या होने लगेगा यहां फ्लो होने लगेगा तो अगर कल को मैं इस वी को वहां लेके जाता हूं तो ये आई इधर फ्लो होने लगेगा और अगर ये आई इधर फ्लो होने लगा इसी को बोला गया था किसके द्वारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम के द्वारा हिस्टेरेसिस लॉस यानी कि शैथिल्य हानि एक चुंबकीय पदार्थ यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल में किस चीज पर निर्भर करती है और डिपेंड करती है एवरीवन और सेशन को शेयर करेंगे सेशन के अंदर लाइक करेंगे वी आर लाइव ना हो जाना चाहिए टेलीग्राम पे एक बार फास्ट सर ऐसे तैयारी बुक से करूं या लेक्चर से काफी है <laughs> लेक्चर काफी है समय है तो किताब ऑर्डर <coughs> कर लो और उसको सॉल्व कर लेना <coughs> ठीक है चलिए <coughs> तो हिस्टेरिक्स लॉस की बात करते बेटा एक मैग्नेटिक मटेरियल में यह किस चीज पर निर्भर करती है एक चुंब <coughs> एक चुंबकीय पदार्थ हिस्टेरिसिस नुकसान किस चीज पर निर्भर करता है तो एक मैग्नेटिक मटेरियल की बात करता हूं इस मैग्नेटिक मटेरियल मैगनेटिक लॉस की अगर मैं बात करूं तो आप सब जानते हो हमारे मैग्नेटिक मटेरियल का पर्टिकुलर एक होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन कर्व और वही एक लूप बनाता है जिसको बोलते हैं या बीएच लूप इसके अंदर बीएच लूप इसका एरिया पर यूनिट साइकिल ही हमको कहलाता है क्या

फिगर यहां पे फिगर में आपको किस तरीके के वायरिंग सिस्टम को दिखाया गया है चार ऑप्शन आपके पास है इनके नाम पढ़ेंगे पहले कॉन्टेक्ट लूप वायरिंग सिस्टम लूप वायर इंस्टॉलेशन लूपिंग सिस्टम भी बोलते हैं जॉइंट बॉक्स जिसको आप जेटी बोलते हो टी सिस्टम की कैटेगरी में आता है और केसिंग केपिंग वायरिंग इंस्टॉलेशन तो आप देखिए बताइए ये क्या दिख रहा है तो अगर आप देखोगे इसको बारीकी से तो आपको देख, बहुत प्यारी चीज देखने को मिलेगी जो की इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है तो अगर आप देखोगे मैंने एक फेस प्लग के अंदर ये जो मेरा फेस प्लग है इस फेस प्लग से मैंने एक वायर यहां पे निकाली हुई है ताकि नीचे की तरफ एक करंट फ्लो हो है ना फेस फेस प्लग से मैंने एक वायर निकाली है 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 ये ऊपर जो हमारी वो फेस की रेल होती है और ये हमारी न्यूट्रल की रेल है तो फेस की रेल में से इस पर्टिकुलर स्विच में एक करंट आएगा जब ये स्विच मेरा ऑपरेट करेगा इस तरीके से तो यहां से यही करंट मेरा किस में चला जाएगा बेटा लैंप में चला जाएगा और जब यही करंट मेरा लैंप में चला जाएगा तो ये जाकर के किसको प्रोवाइड करेगा न्यूट्रल को प्रोवाइड कर देगा सिमिलरली एक और मेरे पास यहां पर फेस की रेल में से एक पर्टिकुलर मैंने क्लिप लिया वापस से इस पर्टिकुलर स्विच के लिए स्विच ऑपरेट करेगा यह वायर लैंप में जाएगा लैंप से वापस को भेजेगा कहां पे न्यूट्रल में ये क्या बन रहा है फेस से आया न्यूट्रल में गया फेस से आया न्यूट्रल में गया दिस ये किस तरीके का सिस्टम है अगर हम बात करें सिस्टम को इसी को बेटा ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम बोला जाता है सर जॉइंट बॉक्स क्यों क्योंकि यहां पे कोई लूप नहीं बन रहा यहां पर आपके पास ये जो बॉक्सेस होते हैं इनके द्वारा आप क्या करते हो पर्टिकुलरली लेते हो और इन्हीं को वापस पर्टिकुलरली प्रोवाइड कर देते हो दिस इज बेसिकली कॉल्ड जेटी यानी कि जॉइंट बॉक्स टी सिस्टम क्या सर हम इस सिस्टम को यूज करते हैं नहीं आज की डेट में हम इस तरीके के सिस्टम को हमारे घरों में यूज नहीं करते हैं ठीक है चलिए बहुत प्यारा सवाल है 33 केवी एकल फेस निकाय पर काम कर रहे भूमिगत केबल का सबसे किफायती कार्यकारी आकार ज्ञात करें यह देखते हुए कि अधिकतम स्वीकार्य स्वीकार प्रबल ग्यारह पर सेंटीमीटर है आपको मोस्ट इकोनॉमिकल की जल्दी करेंगे yes, जुही। बिल्कुल बिकॉज अभी क्रैश कोर्स में स्टार्ट कर रहा हूं ठीक है अच्छा आप लोगों को एक बात बताने वाला हूं? है ना? आप लोगों को एक बात बता देता हूं मैं। कि guys, आप लोगों के के लिए मैंने पेड बैच अंदर क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है और क्रैश कोर्स क्यों किया उसके पीछे के बहुत बड़े रीजनस है मेरे काफी सारे हजारों स्टूडेंट ऐसे हैं जो पिछले एक दो साल में तैयारी कर रहे हैं है ना कुछ एग्जाम्स में सिलेक्टेड भी हैं और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो वापस एसएससी देना चाहते हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका एसएससी रुक गया तो मैं चाहता था कि उनको अपने वे में पूरी तरीके से दो महीने में एक रिवीजन थ प्रैक्टिस दोनों तरीके से स्टार्ट कर दूं और जिसकी डेडिकेटेड क्लास लगाऊं मतलब क्रैश कोर्स ऐसा होना चाहिए कि अगर पेड बैच में आपको 300 घंटे पढ़ाया तो क्रैश कोर्स में एटलीस्ट डेढ़ सौ घंटे पढ़ाने चाहिए है ना तो उसमें मैं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक वाइज थ्योरी और रिविजन के बाद फिर वापस से क्वेश्चन पर्टिकुलर प्रैक्टिस कराऊंगा अच्छा जिन बच्चों के पास एजे एज 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 का सब्सक्रिप्शन है उनको क्रैश कोर्स अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि क्रैश कोर्स उसी में इंक्लूडेड रहेगा तो आपको लेने की जरूरत नहीं लेकिन जिन बच्चों के पास एजे पूरा इलेक्ट्रिकल का सब्सक्रिप्शन नहीं है ठीक है उन बच्चों को बस वो चीज के पार बस जाना पड़ेगा ये मेरा मेन मोटिव है सर तो यूट्यूब पे क्या चलेगा यूट्यूब पे तो हमारे पास आपको पता ही है कि यूट्यूब आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है मेरी क्लासेस तो जैसी चल रही है वैसी चलेंगी अलग अलग अलग, अलग जेनर में लेके आता रहूंगा कुछ कभी कभी रिविजन कभी कुछ कभी कुछ कभी, कुछ, कभी महासंग्राम कभी मैराथन तो ये तो हमारा जो चल रहा है चल रहा है वो मैंने एडिशनल लगाया आपको भी पता जितना ज्यादा पढ़ो उतना बेनिफिशियल रहता है तो एक पेड बैच का फिर क्रैश कोर्स और तीसरा ये। बस ये तीन क्लास एस एस सी के लिए, more than sufficient आपके के लिए। Next week से crash course, week से से बल्कि इसी इसी चालू चालू हो जाएगा। इसी week से चालू हो जाएगा। रहा है, ना? टाइम बता दूंगा वर्किंग ऑन थर्टी थ्री के वी सिंगल फेस सिस्टम तो मैक्सिमम अलाउेबल डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस क्या होगा बेटा मैक्सिमम अलाउेबल डायलेक्ट्रिक ग्यारह केवी दिया तैतीस केवी की है तो ये कितना हो जाएगा आपका नौ सेंटीमीटर सर कैसे निकाला आपने कैसे निकाला आपने ये कोई बच्चा बता सकता है क्या फॉर्मूला लगाया होगा ठीक है और क्रैश कोर्स होता क्या है ना बेटा वो मैं आपको बताऊंगा है ना क्रैश कोर्स होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली क्रैश कोर्स वो नहीं होता जिससे बच्चा क्रैश हो जाए कभी भी लाइफ में क्रैश कोर्स वो नहीं होता जिससे बच्चा ये सोचे कि अरे इसको पढ़ के तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा नहीं एक्सैक्टली क्रैश कोर्स क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा क्रैश कोर्स के अंदर ठीक है क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है है ना एक क्रैश कोर्स एक ऐसी चीज है जिसमें बच्चे से ज्यादा कहीं गुना ज्यादा मेहनत टीचर को करनी पड़ती है ठीक है तो मैं बताऊंगा एक्जेक्टली क्रैश कोर्स क्या होता है हमारे आज से पच्चीस साल पहले बहुत सारे एग्जाम्स के लिए क्रैश कोर्स इंडिया में चला करते थे उसकी एसेंस ना सालों में खत्म हो गई लोगों ने उसकी एसेंस को खत्म कर दिया लोगों ने ये खत्म कर दिया कि क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है वो मैं बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि क्रैश कोर्स होता है क्या ठीक है ना क्रैश कोर्स का मेन मोटिव क्या है वो मैं आपको पता चलेगा ठीक चलिए, सर यूट्यूब पे भी तो कर सकते थे आप क्रैश कोर्स चालू बिल्कुल कर सकते थे लेकिन फिर ये खत्म हो जाएगा क्योंकि मेरे पास भी एक बैंडविथ की लिमिट है ना कि दिन भर में मैं कितनी की क्लास ले सकता हूं तो फिर ये खत्म हो जाएगा इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी इसकी इंपॉर्टेंस भी अपने आप में काफी ज्यादा है इसीलिए उसको वहीं पर रखा हुआ है ये यहां पर है जो बच्चा दोनों को प्रॉपर तरीके से करे आराम से निकल जाएगा सर इतना कैसे पढ़ सकते हैं पढ़ाने वाला भी तो पढ़ा सकता है तो पढ़ने वाला भी पढ़ सकता है दोनों चीजें हो सकती है राइट चलिए तो बेटा मोस्ट इकोनॉमिकल वर्किंग साइज एक अंडरग्राउंड केबल का कैसे निकलते हैं अगर 33 केवी की सिंगल फेस सिस्टम है और मैक्सिमम अलाउेबल डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस आपको इतनी दी है मैक्सिमम अलाउेबल डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस जो होती है अंडरग्राउंड केबल में अगर मैं इसको कंडक्टर मानता हूं तो बेटा यहां पर अगर हम बात करें तो ये शीत होती है अगर ये कंडक्टर है तो ये शीत होती है और इनके बीच में हमारा इंसुलेशन होता है जिसमें हमारी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस होती है जिसमें हमारी क्या होती है डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस होती है तो मैक्सिमम अलाउेबल डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस की अगर मैं बात करूंगा तो बेटा ये मैक्सिमम अलाउेबल डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस सॉरी मैक्सिमम अलाउेबल डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस का जो हमारा होता है वो होता है केबल का वोल्टेज डिवाइडेड बाय कहां पर होती है इन टू एल एन कैपिटल आर बाय आर यह कहलाती है मैक्सिमम अलाउेबल डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस ठीक अब इसके बाद की बात कर लेते हैं अगर इसके बाद की मैं बात करने जाऊंगा तो आपको ये बात को ध्यान में रखना है कि वर्किंग वोल्टेज हमको 33 के भी के रखा है और ये भी हमको एक चीज का ध्यान रखना अगर मैक्सिमम अलाउेबल दिया है और मोस्ट इकोनॉमिकल वर्किंग चाइज पूछी आपसे तो मोस्ट इकोनॉमिकल के लिए बेटा आर जो होता है वो हमारा ई इंटू आर के बराबर होता है जब आपसे मोस्ट इकोनॉमिकल वर्किंग साइज पूछे तो याद रखिएगा शीत की रेडियस जो होती है हमारी वो कंडक्टर की रेडियस से टाइम्स e तो अगर 33 डिवाइडेड बाय ये क्या है आर और एल एन आर R आर बाय आर की वैल्यू e रखोगे तो एल एन ई क्या होता है वन होता है तो यहां से आपको कंडक्टर की रेडियस पता चलेगी कितनी आ गई तीन आ गई जब कंडक्टर की रेडियस आपकी तीन आ चुकी है तो ये कितना आ जाएगा कैपिटल आर तो कैपिटल आर आपका कितना निकल के आ जाएगा तो कैपिटल आर आपका निकल के आ जाएगा ई e इंटू e कितना आर तो ई इंटू तीन यानी कि टू पॉइंट सेवन वन तीन अप्रोक्सीमेटेट किसके बराबर आएगा ठीक है अप्रोक्सीमेटेट किसके बराबर आ जाएगा नौ के बराबर तो अप्रोक्सीमेटेट किसके बराबर आ जाएगा 9 के बराबर आ जाएगा तो अप्रोक्सिमेट नौ के बराबर जाएगा क्यों क्योंकि बेटा ई का जो वैल्यू होता है तीन लेकर के आप कर सकते हो ठीक है चलिए आ जाइए नेक्स्ट एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट मूविंग कॉइल मतलब पीएमएमसी की बात कर रहा हूं जिसका कॉइल का रेजिस्टेंस 10 ओम है और इसको 100 मिली एमपियर का ये करंट लेता है वॉट मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन द इंस्ट्रूमेंट ताकि ये 500 वोल्ट तक का वोल्टेज को मेजर कर ले सवाल की गहराई को और सवाल को समझने की कोशिश करना कहीं ना कहीं सवाल आपके दिमाग पे हिट करेगा सबसे पहले सोचिए एक पीएमएमसी का इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस आपको दिया है और उसके अंदर जाने वाला करंट दिया है आपसे वो ये बोल रहा है कि मुझे सिर्फ पांच वोल्ट मेजर करवाना है तो मैं क्या करूं तो भाई पहले तो मुझे यह पता होना चाहिए कि अगर हम इससे 500 वोल्ट मेजर करवाना चाहते हैं तो ये पहले कितना मेजर कर रहा है तब तो पता चलेगा तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये पहले कितना मेजर कर रहा है तो जो ओल्ड में ये मेजर कर रहा था ओल्ड मतलब समझते हो हाँ सर ओल्ड में ये मेजर कर रहा था वो आई इंटू आर कर रहा था आई मतलब 100 मिली एमपियर यानी कि 100 इंटू टेन की पावर माइनस थ्री और आर की मैं बात करता हूं तो आर हमारे पास अवेलेबल है टेन तो अगर मैं बात करता हूं तो पहले ये बेटा एक वोल्ट मेजर करता था लेकिन अब इसको नया वोल्टेज कितना मेजर करवाना है पांच सो वोल्ट करवाना है इसका मतलब एक ऐसा वोल्ट मीटर जो पहले केवल एक वोल्ट मेजर करता था अब इससे मुझे पांच सो वोल्ट मेजर करवाना है यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा एक हाई वैल्यू का मल्टीप्लायर रजिस्टेंस को सीरीज में लगाना पड़ेगा एक हाई वैल्यू के मल्टीप्लायर रजिस्टेंस को जब मैं सीरीज में लगा दूंगा लाइक दिस ठीक है पहले मीटर का रेजिस्टेंस स्मॉल आर एम था और मीटर एक वोल्ट मेजर करता था लेकिन अब मुझे मीटर से पांच सौ वोल्ट मेजर करवाना है

पुराना वोल्टेज माइनस वन तो टेन है और नया वोल्टेज हमारे पांच सौ तो में से एक गया, तो 499 आ गया। 499 जीरो ओम यानी किलो ओम इतनी हाई वैल्यू के रजिस्टेंस को आपको इसके सीरीज में लगाना पड़ेगा तब आपका काम बन जाएगा और आप देखो यहां पर ऑप्शन में भी है फोर पॉइंट नाइन नाइन किलो ओम रजिस्टर को मैं सीरीज में लगाऊंगा इंस्ट्रूमेंट के इस तरीके से वोल्टेज की रेंज को एडिशनली बढ़ाया जाता है चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम गिवन ऑप्शन रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक सर्किट एक चुंबकीय परिपथ की विशेषताओं के संबंध में दिए गए विकल्प में से सही कथनों को पहचानिए आपको बताना इनमें से मैग्नेटिक सर्किट यानी कि एक चुंबकीय परिपथ के रिस्पेक्ट में कौन सी बात सही है सेशन को शेयर करते रहिए सेशन को लाइक करते रहिए सेशन के अंदर एनर्जी डालिए बिना एनर्जी के काम नहीं बनेगा बिना एनर्जी के काम नहीं बनेगा चलिए तो आपको आइडेंटिफाई करना था बेटा करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मैग्नेटिक सर्किट तो मैग्नेटिक सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आप मुझे बताइए फ्लक्स यानी कि चुंबकीय प्रवाह एनालॉगस होता है पोटेंशियल डिफरेंस के नहीं होता क्यों बेटा फ्लक्स एनालॉगस होता है करंट के याद रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ईएमएफ के एनोलॉगस अगर कोई होता है तो वो होता है जिसको आप हो। जिंदगी में नहीं होता ये भी गलत स्टेटमेंट है क्योंकि होता है, के. ये बात बिल्कुल सही है क्यों सही है बताता हूं इलेक्ट्रिक सर्किट में रजिस्टेंस जो होता है वो करंट को रोकने का काम करता है और कंडक्टेंस उसका उल्टा होता है मैग्नेटिक सर्किट में आपका रिलक्टेंस आपके अपोजिट रिलक्टेंस जो आपका है वो बेसिकली क्या करने का काम करता है फ्लक्स को रोकने का काम करता है लेकिन permeance उसका क्या करता है अपोज करने का काम काम करने का काम करता है नेक्स्ट परमिबिलिटी इज एनालॉगस टू परमिटिविटी तो बेटा यहां पर अगर हम बात करें तो केवल एक ही स्टेटमेंट सही है बाकी के सारे स्टेटमेंट गलत हैं। परमिबिलिटी कभी भी एनालॉगस नहीं है किसके परमिटिविटी के ठीक है चलिए एक पीएन जंक्शन में बैरियर वोल्टेज के बारे में बात की जा रही है एक पीएन जंक्शन की अगर मैं बात करूं आपके सामने बनाऊ तो ये देखो आप ये पी मटेरियल है और ये एन मटेरियल है अगर बेटा ये पी मटेरियल है और एन मटेरियल है इसको बोलते हैं एनोड टर्मिनल और इसको बोलते हैं कैथोड टर्मिनल अब इन पीएन संधि है ये अब इनके बीच में यहां पर आप देखोगे तो ये एक यहां पर क्या बनती है डिप्लीशन लेयर बनती है ये डिप्लीशन लेयर क्या बोलती है ये डिप्लीशन लेयर बोलती है ये डिप्लीशन लेयर बोलती है कि भाई मैं इधर से इधर है ना चार्ज कैरियर्स को नहीं आने दूंगी और ये बोलता है इधर से इधर नहीं आने दूंगी और इसी वजह से यहां पर ये क्या बनाते हैं पोटेंशियल बैरियर बनाते हैं पोटेंशियल बैरियर का मतलब चले जाएं, उसके लिए आपको एक देना पड़ेगा, और वो मिनिमम पोटेंशियल है तो देना पड़ेगा, उसी को पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं और अगर जर्मेनियम का डायोड है तो जीरो देना पड़ेगा तो आपसे यही पूछ रहा है पोटेंशियल बैरियर है कैसे कम होता है तो हमेशा याद रखिएगा पोटेंशियल बैरियर जो हमारा है अगर तापमान बढ़ेगा तो बेटा तापमान से क्या मिलता है तापमान से इनको एनर्जी मिलती है होल्स और इलेक्ट्रॉन को तो अब ये बोलते हैं कि अगर तापमान बढ़ेगा ठीक है तापमान अगर बढ़ेगा तो ये एनर्जी को क्या करेंगे एनर्जी को इधर से उधर ट्रांसफर करने में मदद करेंगे अगर तापमान बढ़ेगा तो एनर्जी होल्स को ट्रांसफर करने में मदद करेंगे तो अगर मेरी बात एक सेकंड रुकना चलिए तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करने में मतलब चार्ज इधर से उधर ट्रांसफर करने में मदद करेंगे तो पोटेंशियल बैरियर क्या होने लगता है कम होने लगता है तो तापमान के बढ़ने से पोटेंशियल बैरियर कम होने लगता है चलिए एक पैरल आर सर्किट है बेटा यानी कि समानांतर आर परिपथ है अनुनाद यानी कि रेजोनेंस के दौरान क्वालिटी फैक्टर जो है उसका है वो क्यू है नया क्वालिटी फैक्टर क्या होगा अगर मैं सारे कंपोनेंट की जितने भी कंपोनेंट यहां पर हैं आरएलसी इनकी वैल्यू को डबल कर दूं यानी कि डबल कर दूं तो देखो जरा सबसे पहले क्वालिटी फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो अगर बेटा क्वालिटी फैक्टर मेरा सीरीज आरएलसी सर्किट का है कौन सी सर्किट का है

और जब बेटा समानांतर अनुनाद परिपथ की मैं बात करने जाऊंगा तो समानांतर अनुनाद परिपथ में क्या हो जाता है आर बन जाता है क्या वन बाय आर यानी कि यह क्या हो जाएगा आर सिमिलरली एल बन जाता है हमारा सी और सी बन जाता है हमारा एल ये हमारा कहलाता है पैरेलल आर एल सी ये हमारा क्या कहलाता है पैरेलल आर एल सी ये क्या कहलाता है हमारा पैरेलल आर एल सी कहलाता है तो जब ये मेरा पैरल आर कहलाता है जब ये मेरा पैरल आर कहलाता है तो आप देखेंगे क्लियर यहां पर क्या होगा अब आप इनको डबल कर दो तो ये हो गया टू आर, ये हो गया टू सी, ये हो गया टू एल, तो यहां से ये कैंसिल हो गया ठीक है तो ये क्या बन गया टू टाइम्स ऑफ आर अंडर रूट ऑफ सी बाय यानी कि ये कितना बन गया बेटा पुराने से डबल हो गया तो क्वालिटी फैक्टर आपका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा तो आपका क्वालिटी फैक्टर भी क्या हो जाता है डबल हो जाता है आपका जो क्वालिटी फैक्टर है वो क्या हो जाएगा डबल हो जाता ठीक है ल्यूट चल आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते ठीक है चल द मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन इज 600 हंड्रेड मेगावाट बेटा अगर मैं पावर प्लांट की बात करूं तो उस पावर प्लांट पर अधिकतम मांग जो है पावर की वो हमारी है 600 मेगावाट मेगावॉट अगर इसका वार्षिक लोड फैक्टर यानी कि जो भार कारक है इसका वो 60 परसेंट है और कैपेसिटी फैक्टर इसकी 45 परसेंट है जिसको आप प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बोलते हो तो आपकी रिजर्व कैपेसिटी प्लांट की कितनी होगी बहुत प्यारा सवाल है आराम से टैकल करके मुझे आंसर बताइए सेशन को लाइक करिए 150 क्रॉस करिए उसके बाद आगे मूव ऑन करेंगे एवरी और छह बजे तक ऐसे कैसे टीके रहना एक एक बच्चे को क्लियर एक एक विद्यार्थी को छह बजे तक ऐसे ही टीके रहना है ये नहीं सोचना है पांच बजे वाली क्लास में क्या है पांच बजे क्लास में आओगे तुमको मजा आएगा ठीक है तो दोनों क्लास करना बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए आ जाइए तो यहां पे देखेंगे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं क्लियर सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो पे एक प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं हमारा प्लांट है ठीक है हमारा क्या अवेलेबल अवेलेबल है है मेरे पास प्लांट प्लांट बहुत बढ़िया सर अब इस प्लांट की बात करता हूं तो इस प्लांट के अंदर अगर, अगर मैं बात करूं तो जो मुझे मैक्सिमम डिमांड है वो मेरे पास अवेलेबल है सिक्स मेगावाट मेगावॉट ये भी बात बिल्कुल सही है सर सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ लोड फैक्टर की तो जो लोड फैक्टर है मेरा वो जीरो पॉइंट है बहुत बढ़िया सर अब याद रखिएगा लोड फैक्टर क्या होता है लोड फैक्टर का फॉर्मूला पहले समझ लो क्या होता है लोड फैक्टर आपका होता है एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड क्या होता है एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड तो ये मेरा लोड फैक्टर होता है अब यहां पर याद रखेंगे लोड फैक्टर मेरा ये होता है एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड तो यहां से अगर मुझे एवरेज डिमांड निकालना हो तो वो मेरी होती है मैक्मम डिमांड इन लोड फैक्टर बहुत बढ़िया सर मैक्मम डिमांड कितनी है सर सिक्स सर सर लोड फैक्टर कितना अवेलेबल है सर लोड फैक्टर 0.6 पॉइंट अवेलेबल है सर डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा सर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 36 सिक्स यानी कि सिक्स थर्टी मेगावॉट आ जाए थ्री तीन सौ साठ मेगावॉट आ जाएगा ये बेटा मेरी निकल के आई एवरेज डिमांड अब आते हैं इसके बाद अपन लोग प्लांट कैपेसिटी फैक्टर पे अब किसके ऊपर अपन आते हैं प्लांट कैपेसिटी फैक्टर पे तो बेटा जो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर होता है ना वो बेसिकली मेरा होता है एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाय सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है अब यार देखो एवरेज डिमांड तो आ गई कितनी 360 मेगावाट

तो जब यह साढ़े आठ सौ मेगावॉट तक के लोड को प्रोवाइड कर सकता है आठ सौ मेगावॉट तक के लोड को प्रोवाइड कर सकता है तो आपको बतानी रिजर्व कैपेसिटी कितनी होगी अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर रिजर्व कैपेसिटी का अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर रिजर्व कैपेसिटी का तो वो मेरी क्या कहलाएगी सिस्टम की कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड सिस्टम की कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड और सिस्टम की कैपेसिटी मेरी आज भी कितनी अवेलेबल है 800 मेगावाट है अगर मैं बात करता हूं माइनस मैक्सिमम डिमांड की तो मैक्सिमम डिमांड अगर हमारे पास अवेलेबल है तो वो कितनी अवेलेबल है तो मैक्सिमम डिमांड हमारे पास है 600 तो 800 में से अगर मैं 600 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो बचा रह जाएगा उसको क्या बोलूंगा रिजर्व वो बोलूंगा और जो बचा रह जाएगा वो कितना है 200 मेगावोल्ट एकदम बेहतरीन सवाल था चलिए आगे मूव ऑन करते हैं रॉड टाइप अर्थ इलेक्ट्रोड जब भी जिंदगी में हम अर्थिंग करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेप के हमारे पास इलेक्ट्रोड होते हैं जैसे मान लीजिए ये परिणामित्र किसका दोस्त है अब ये मतलब है. तो अगर मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मर अवेलेबल है तो ये ट्रांसफॉर्मर की मुझे बॉडी को अर्थ करना है इसके लिए मैं क्या करूंगा यहां पे गड्ढा करूंगा इस गड्ढे को क्या बोलते हैं आधे लोगों को यह भी नहीं पता है क्या बोलते हैं इसको पिट बोलते हैं अर्थ पिट इस अर्थ पिट में मैं क्या करूंगा कोयला और नमक मिलाऊंगा कितना कोयला और नमक मिलाते हैं पूछना मत किसी से दस दस किलो दस किलो कोयला मिलाते हैं और दस किलो क्या मिलाते हैं नमक मिलाते हैं नमक नहीं होता एक्चुअली वो चार वो कोयला नहीं होता एक्चुअली वो चारपोल होता है ठीक है इसके बाद क्या करते हैं हम लोग यहां से एक वायर को लेकर आते हैं इस वायर को पता है क्या बोलते हैं इस वायर को बोलते हैं ईसीसी अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर उसके बाद फिर हम क्या करते हैं यहां पर इलेक्ट्रोड बनाते हैं अब ये जो इलेक्ट्रोड होता है हमारा या तो ये रॉड का बनता है या तो ये हमारा प्लेट है या तो ये स्ट्रिप है या तो ये पाइप है नॉर्मली हमारे घरों के आसपास या डोमेस्टिक एप्लीकेशन में या सबसे ज्यादा अगर कुछ यूज होता है तो वो बेसिकली पाइप होता है लेकिन आज से आपने रॉड के बारे में पूछा है रॉड अर्थिंग की अगर मैं बात करता हूं तो जो रॉड होती है इसका डायमीटर सोलह एमएम से कम नहीं होना चाहिए की मैं जब भी बात करता हूं, तो इसका जो डायमीटर है वो 16 एम एम से कम कभी भी लाइफ में नहीं होना चाहिए द कैपेसिटर प्रिफर्ड फॉर हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट विल बी अगर मान लीजिए कोई ऐसी सर्किट है जिसकी आवृत्ति बहुत हाई है उसके लिए आप कौन सा कैपेसिटर लगाओगे जैसे आप अपने घरों में देखो बेटा पंखा है

माइका कैपेसिटर्स ऑल आर बेटा क्या होते हैं कैपेसिटर्स होते हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं ठीक है चलिए शक्ल देखना चाहते हैं माइका कैपेसिटर की तो मोहित सर आपको दिखा देंगे चिंता मत करिए आपकी कहलाते हैं माइका कैपेसिटर इनको देख लो एक बार कैसे दिखते हैं ये ताकि जीवन भर याद रहेगा ठीक है चलिए एक बार देख लो माइका कैपेसिटर शक्ल में कैसे देखते हैं जरा जरा से छोटे से होते हैं ये है ना बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल स्मॉल टाइप के ये होते हैं दे आर अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट वाइका कैपेसिटर्स ठीक है चलिए आ जाइए नेक्स्ट सेग ऑफ कंडक्टर ऑफ अ हाँ ट्रांसमिशन लाइन एक ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं सर टेक्स बुक मेल इसका आंसर इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है नहीं एक बार चेक कर लेना बेटा है ना चलिए चलिए आ जाइए हाई फ्रीक्वेंसी पूछा है चलो सेग ऑफ अ कंडक्टर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज टू मीटर व्हेन द स्पान इज टू हंड्रेड मीटर नाउ हाइट ऑफ द सपोर्टिंग टावर इज इंक्रीज बाय पच्चीस परसेंट सेग विल बी एक पारेशन लाइन के चालकों का झुकाव दो मीटर है जब विस्तृति दो सौ मीटर अब यदि समर्थन टावर की ऊंचाई पच्चीस बढ़ा दी जाए तो झुकाव क्या हो जाएगा कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आप देखोगे यहां पर आपके पास एक टावर लगी हुई है और जब यहां पर आपके पास एक टावर लगी हुई है तो इस पर्टिकुलर टावर की जब भी हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर टावर की हम जब भी बात करेंगे तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं टावर के अंदर तो मान लेता हूं ये मेरा एक कंडक्टर है अब ये लोग बोल रहे हैं कि सेग का फॉर्मूला क्या होता है तो बेटा सेग का फॉर्मूला हम सबको पता होना चाहिए डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट टी होता है दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेग ये मेरा सेग का फॉर्मूला होता है स्क्वायर बाय अब मैंने क्या करा इसी सेग के अंदर इस टावर की जो हाइट है उनको लंबा कर दिया जब मैं टावर की हाइट लंबा कर देता हूं तो याद रखना सेग मेरा वेट ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है दोनों के बीच के स्पान पर डिपेंड करता है टेंशन पे डिपेंड करता है लेकिन कभी भी सेग मेरी हाइट पे डिपेंड नहीं करता। सेग आपका क्या रहने वाला है रिमेनचेंज रहने वाला है क्या बात है बहुत प्यारे जली करो गलती नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर एक एक का आंसर आना चाहिए उड़ता हुआ वो भी बैठा हुआ भी नहीं उड़ता हुआ क्या बात है चलिए सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन ओवर करंट के लिए लो वोल्टेज सिस्टम में कौन सा है एक कम वोल्टेज सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं अति धारा के लिए कम से कम से महंगा संरक्षण क्या है सबसे 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 मैं पूछा क्या बेटा लीस्ट एक्सपेंसिव सस्ता सबसे सस्ता बताए क्या है आपके घरों के अंदर एक फ्यूज यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं रीवायरेबल फ्यूज एक फ्यूज हम लोग बेटा यूज करते हैं जिसको क्या बोलते हैं रीवायरेबल फ्यूज एक कटआउट की तरह मोस्टली ये देखने को मिलता है आपको

समझ गए चलिए लेकिन अगर बाकी की बात करोगे तो बाकी महंगा है चलिए फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द वोल्टेज एंड करेंट ये क्वेश्चन अभी लीव करते हैं दिस इज नॉट फॉर यू एक्चुअली गलती SSC से आ गया के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं था डैश इज अ डेजरेचर सेंसिटिव रजिस्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर डैश एक तापमान संवेदनशील प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध तापमान में वृद्धि के साथ घटता जाता है जल्दी बोलेंगे एवरी वन डू फास्ट क्या बात है क्या बात है क्या बात चलिए तो बेटा आपको बताना है एक टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर है ठीक है जिसका रजिस्टेंस घटने लगता है तापमान के बढ़ने पर तो भैया रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कम होने लगती है टेम्परेचर के बढ़ने पर तो ये आपका बताइए घनात्मक ताप गुणांक हुआ या ऋणात्मक ताप गुणांक हुआ यानी कि ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट है या नेगेटिव तो ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट है और इनमें से नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट एक ही है जिसको बोलते हैं थर्मिस्टर यानी कि टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर थर्मिस्टर का फुल फॉर्म होता है टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर और ये नेगेटिव टेम्परेचर पोफिशियंट होता है इसका अल्फा जो है वो नेगेटिव होता है टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर ठीक चलिए आ जाइए नेक्स्ट एक आठ किलो वॉट के चार पोल की 220 वोल्ट की 50 हर्ट्ज की रिलक्टेंस मोटर है जिसका टॉर्क एंगल 30 डिग्री है जब ये ऑपरेट करती है अंडर अंडर रेटेड लोड कंडीशन तो लोड की टॉर्क कितनी होगी तो टॉर्क एंगल भी दे दिया है पावर भी दे दी है सब कुछ दे दिया अब आपको निकालना क्या है यहाँ पे इसका जल्दी से कैलकुलेट करके बताएंगे इसका लोड का टॉर्क कितना होगा तो जल्दी से कैलकुलेट करके बताएंगे इसकी लोड की टॉर्क कितनी होगी अगर आठ किलो वॉट की मोटर है आपको यहाँ पे चार पोल की मशीन है रिलकटेंस मोटर है टॉर्क एंगल भी थर्टी डिग्री है और आपको बताना लोड की टॉर्क कितनी होगी सर एस एस का पेपर डिप्लोमा डिग्री का अलग अलग होता है क्या सेम होता है सेम होता है बेटा है ना सेम होता है ठीक है अलग अलग नहीं होता सेम ही होता है चलिए तो कुछ बच्चों के आंसर यहां पर आ रहे हैं 51 पहले मुझे फॉर्मूला बता दीजिए कौन सा लगा रहे हैं आप पहले अगर आप फॉर्मूला बता दे तो ज्यादा बेहतर है है ना कहीं करेक्शन होगा तो मैं कर दूंगा तो डुगू का भी आंसर आ गया है तो फार्मूला मुझे बता दीजिए चक्रवर्ती जी चलिए तो देखो यार सबसे पहले तो हमारा एक यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है किसी भी मोटर के लिए पावर इक्वल टू टॉर्क इंटू उमेगा वो तो यहाँ पे लगना नहीं है क्यों क्योंकि पावर इंटू टॉर्क इंट पावर इक्वल टू टॉर्क इंटू उमेगा यहाँ पे इसलिए नहीं लगना क्योंकि यहाँ पे कोई स्पीड के बारे में बात नहीं करिए यहां पर आपसे नॉर्मली बात की जा रही है पावर के बारे में लेकिन टॉर्क एंगल के बारे में जो जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा अरे बोलो ना आंसर बताने लगते हो भाई भाई पावर इक्वल टू होता है टू पाई एन टी बाई सिक्सटी टू पाई एन टी बाई सिक्सटी है ना तो यार यहां पर अगर मुझे पावर दिए आज आठ किलो वॉट चलो मैं लिख भी लेता हूं थोड़ी देर के लिए आठ किलो वॉट पावर दिए 2 पाई भी पता है मुझे क्या होता है 60 भी मुझे पता है बट यार मुझे स्पीड कहां पता है अगर मुझे मोटर की स्पीड पता चल जाए तो मैं आसानी से टॉर्क निकाल सकता हूं तो मुझे स्पीड तो पता ही नहीं है कोई मुझे बता दो स्पीड कहां पे दी है यहां पे यहां पे तो ये बोल रहा है भाई मोटर का टॉर्क एंगल 30 डिग्री है तो स्पीड कहां से लेके आऊं स्पीड कहां से लेके आऊं सर आप एक काम करो ना पहले तो ये मोटर रिलेक्टेंस मोटर है और अगर ये रिलेक्टेंस मोटर है इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये सिंक्रोनस मोटर है अब ये रिलेक्टेंस मोटर मतलब सिंक्रोनस होती है ना हाँ सर और सर रिलेक्टेंस मोटर अगर सिंक्रोनस मोटर है तो ये सिंगल फेज की सिंक्रोनस मोटर है ये भी बात सही है सर और सर अगर सिंक्रोनस मोटर है तो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी भी दी है और चार पोल भी दिए हाँ सर इसका मतलब सर सिंक्रोनस स्पीड आपको दी हुई है हाँ, सर 120 कर देंगे हाँ सर सर ऐसा करने से आंसर कितना आएगा पंद्रह सो आएगा इसकी वैल्यू हाँ सर आएगी सर पंद्रह सो सर पंद्रह सो को इसमें पुट कर दें क्या जैसी आपकी इच्छा हो तो पंद्रह सो को इसमें पुट कर लेते हैं तो एट इंटू टेन की पावर अगर थ्री दिया हुआ है और इक्वल टू टू पाई बाई सिक्सटी देख रखा हुआ है और इंटू एन की बात कर लेते हैं तो एन पंद्रह सो है और ये हमारा हो जाएगा टॉर्क तो यहाँ से टॉर्क का वैल्यू निकल के आ जाएगा कि नहीं निकल के आ जाएगा यस सर तो कितना आ जाएगा एट इंटू टेन की पावर थ्री हो जाएगा इंटू सिक्सटी हो जाएगा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा टू पाई हो जाएगा इनटू कितना हो जाएगा पंद्रह सौ हो जाएगा तो यहाँ से आप आराम से टॉर्क निकाल सकते हो अब यहाँ से टॉर्क निकाल के कैलकुलेट करो कितना आंसर निकल के आता है यहां से टॉर्क निकाल के कैलकुलेट करिए कितना आंसर निकल के आता है अगर आपको ऑप्शन मैच करता तो सही है

मेरे सेशन बेटा धीरे धीरे चलते रहते हैं आपको रेगुलर बननी है इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन पावर सिस्टम मेजरमेंट यूटिलाइजेशन एस्टिमेटिंग सब कुछ साथ में पैरेलल चलता रहेगा ठीक है चलिए तो देख लीजिए एक बार चेक करके फिफ्टी नहीं आता है। चलो ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर जेफेट जेफेट के लिए कौन सी बात सही नहीं है जेफेट की अगर मैं बात करता हूं तो जेफेट के अंदर याद रखेगा एक ड्रेन टर्मिनल एक सोर्स टर्मिनल है और इंटरनली गेट टर्मिनल शॉर्ट होता है यहां पर ये हम लोग इस तरीके से डोपिंग करते हैं बीच में हमारा चैनल होता है चैनल का शेप जो है वो चैनल का जो शेप है वो वेज शेप का होता है ठीक है और अगर मैं बात करता हूं जेफेड के सिंबल की तो जेफेड का सिंबल आपको नॉर्मल इस तरीके का देखने को मिलेगा क्लियर इस तरीके का सिंबल आपको जेफेट का मिलेगा जेफेट एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है ठीक है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है दूसरा इसका इनपुट रेजिस्टेंस बीजेडी से काफी ज्यादा है वीएलएसआई टेक्नोलॉजी यानी कि वेरी लार्ज वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी से इसको फैब्रिकेट किया जाता है देन जेफेट की बात करते हैं तो तीन टर्मिनल का डिवाइस है ड्रेन सोर्स और गेट दूसरी बात ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आपका वोल्टेज के द्वारा करंट को कंट्रोल करते हो लेकिन इसमें कभी भी करंट को आप आप बढ़ा नहीं सकते हमेशा करंट को घटाने का ही काम करते हो और याद रखिएगा यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है तो यहां पर देखो इसके बारे में क्या पूछा मैंने तो बहुत कुछ बता दिया आपको जेफेट इज अ वोल्टेज कंट्रोल थ्री टर्मिनल डिवाइस है बिल्कुल सही बात है गेट सोर्स पीएन जंक्शन रिवर्स बायस होता है यह भी बात सही है क्योंकि अगर गेट सोर्स पीएन जंक्शन इसका रिवर्स नहीं हुआ गेट सोर्स मतलब बेटा ये वाला, ये है, ये है। अगर यह रिवर्स बायस नहीं हुआ समझना मेरी बात को और अगर यह फॉरवर्ड हो गया तो फॉरवर्ड बायस गया तो बहुत हाई करंट जाएगा और बेटा बहुत हाई करंट इनपुट में होने का मतलब और आउटपुट का 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 तो में, में करंट ज्यादा होना चाहिए इनपुट में करंट कम होने के लिए इनपुट में रजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए और इनपुट में रजिस्टेंस तभी ज्यादा होगा जब ये रिवर्स बायस होगा ठीक है तो इसलिए यहां पर एक बात यहां पर ये यह वाली गलत लिखी हुई है कि गेट सोर्स जंक्शन इसका कैसा है फॉरवर्ड बाकी ड्रेन करंट इज कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग द चैनल विथ ये भी बात सही है कि अगर आपको यहां पर इसमें जाने वाले करंट को कंट्रोल करना है तो चैनल की विथ से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो ऐसा यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं चलिए सर इसी ब्रांच के लिए सेशन

बेटा एक बार बताइए आपकी जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है उसके अंदर मैं कैपेसिटर को अगर रिप्लेस कर दू इंडक्टर से तो क्या होगा अगर आपको यह बताना है अगर मैं कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर को इंडक्टर से रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा तो क्या आपकी मोटर चलेगी नहीं क्या मोटर तेज भागेगी तो बेटा कैपेसिटर को इसलिए लगाया जाता है ताकि स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाए लेकिन आप इंडक्टर अगर लगाओगे तो हमेशा याद रखिएगा ये आप कर सकते हो ठीक है तो स्मॉल एचपी मोटर तो आपकी स्टार्ट हो जाएगी मैंने क्या बोला सुनना कैपेसिटर इसलिए लगाते हैं ताकि स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा मिले अब आपने क्या करा कैपेसिटर लग की जगह इंडक्टर लगा दिया तो जो छोटी मोटर होंगी जिनको स्टार्टिंग टॉर्क कम चाहिए होगी तो वो तो बेसिकली स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि उनको कम चाहिए लेकिन जो बड़ी मोटर होंगी है ना जिनको स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा चाहिए होंगी वो बेचारी बेटा स्टार्ट नहीं हो पाएगी क्यों क्योंकि आपका इंडक्टर कभी भी स्टार्टिंग टॉर्क आपको आगे नहीं ले जा सकता ठीक है चलिए नाउ बेटा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा इसको ज्वाइन करने के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है बता देता हूं क्या इसको जब ज्वाइन करते हो तो आपको एक ऐसी कम्युनिटी मिलती है एक ऐसा माहौल मिलता है जिसकी आपको नीड है नीड मतलब आपको क्लास की पीडीएफ क्लास की लिंक मोहित सर हमेशा अवेलेबल है वो हजारों बच्चे अवेलेबल हैं जो पहले सिलेक्ट हो चुके हैं और वो हजारों बच्चे अवेलेबल हैं जो आपके साथ एग्जाम देने वाले हैं क्लास की सारी लिंक्स आपको यहीं पर मिलती हैं वीडियो के नीचे एक रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर करके जाइएगा कि आपको कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सेशन को लाइक like कर लीजिएगा इसके अलावा जो बच्चे अपनी दिल से तैयारी करना चाहते हैं वो मेरी एक बात सुने ये सेशन तो आपका हमेशा चलता रहेगा मोहित सर आपको भी पता है कि हर दिन क्लास लेते हैं लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो इसी वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आओगे तो जब आप इस वीडियो के को तो इस वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में आओगे तो आपको यहाँ पे एक चीज मिलेगी जिसका नाम है एजे इलेक्ट्रिकल हजारों बच्चों लाखों बच्चों की जो पसंद रही है हमेशा जिसे जिस बच्चे ने तैयारी करी वो आपके सामने ये अवेलेबल है इसकी एक सबसे अच्छी क्वालिटी है कि इसके अंदर आपको वो हर चीज मिल जाती है जिसकी आपको पल पल पर नीड होती है आज एक बच्चे को इंपॉर्टेंस है कि यार एस एस सी जे आर आरबी जेई का डिटेल्ड बैच मिल जाए तो जो लाइव बैच चल रहा है वो उसको मिलता है टेक नॉन टेक दोनों का एक बच्चे को ये भी चाहिए होता है कि सर उसी अमाउंट में हमें एस एस जेई का क्रैश कोर्स भी मिल जाए तो बेटा क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट होने वाला है और इसमें आपको पहले दिन ही पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्रैश कोर्स होता क्या है अभी तक आप शायद क्रैश

जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो उस लेवल के होने चाहिए जिस लेवल पे अभी राइट नाउ एस एस वर्कआउट कर रहा है उस लेवल पे होने चाहिए क्वेश्चंस का लेवल ठीक है इसको क्रैश कोर्स बोला जाता है क्लियर क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहले तैयारी तो कर लेते हैं उन्हें समझ में भी सब आ जाता है लेकिन जब क्वेश्चन करने जाते तो उनसे क्वेश्चन नहीं बनता तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ वही क्लास इंपॉर्टेंट होती है जिसमें उसका उंगली पकड़ के उसको क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाए जो कि आपको यहां पर मिलेगा साथ ही साथ में अगर मैं बात करता हूं तो आपको आरआरबी जेई का वंदे भारत बैच भी लाइव चल रहा है वो इसी के अंदर आपको मिलने वाला है प्लस आपके जो

महीने के लिए छह महीने होता है मेरी दोनों बुकों के साथ दोनों बुक मतलब एक बुक आपको मिलेगी एस एस सी जो आपके सामने अवेलेबल है जिसको ऑलरेडी हजारों बच्चों ने अपने पास अपने पास रख लिया है जिसके अंदर पिछले बार का सीबीटी टू का पेपर सोल्व है वो भी वेल डिफाइंड मैनर में ये इंडिया की ऐसी पहली बुक है और पांच सीबीटी टू के मॉक्स दिए हैं ये इंडिया की पहली बुक है ये आपके सामने आपको मिलेगी साथ में ढाई हजार क्वेश्चन की की एक बुक है जो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए विध ये आपको मिलती है और यहाँ पे आपको ये सिर्फ फोर में है कोर्स के साथ और ये प्राइस भी आपकी कम हो जाती है अगर आप टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड लगाते हो जिसका नाम है मोहित के ठीक है इसकी प्राइस आपकी फोर्टी टू हंड्रेड के आसपास हो जाती है ठीक है चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में क्लियर सर इलेक्ट्रिकल वाले ही भाई इलेक्ट्रॉनिक्स बैचेस ओके चलिए फिर पांच बजे मिलते हैं पांच मिनट बाद और फिर आग लगाते हैं सो थैंक यू वेरी मच बाय